Mommy, I just want to let दोस्तों, जानवर भी कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर हम भी हंस पड़ते हैं। कुछ तो इतनी क्यूट हरकतें करते हैं कि जिन्हें देखते ही रहने का मन करता है। आज हम आपके लिए एनिमल्स की ऐसी ही प्यारी और अनोखी मोमेंट्स लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपको उनसे प्यार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले है कैट आइलैंड। बिल्लियों की बात की जाए तो दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्लियां बेहद पसंद होती हैं। इसीलिए उन्हें अगर किसी जगह पर बिल्ली दिख भी जाए तो वे उसे सहलाने के लिए वहां पर रुक भी जाते हैं। अगर आपको भी बिल्लियों का बड़ा शौक है तो ये आइलैंड आपके लिए ही है जो कि जापान में है, जिसे कैट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है, इस द्वीप पर इतने ज्यादा कैट होने के कारण ही इसका नाम ऐसा रखा गया होगा। लेकिन इतनी ज्यादा बिल्लियां यहां आई कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी बिल्लियां इस द्वीप से बाहर निकल नहीं पाई थी वे सभी अभी इधर ही हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस द्वीप पर सिर्फ 900 लोग ही बचे थे, लेकिन आज इसमें सिर्फ 60 लोग ही हैं, जो कि बहुत कम है। लेकिन फिर भी इस द्वीप पर बहुत से टूरिस्ट या फिर बिल्लियों के शौकीन इस तरह के लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, जिसकी वजह से इन बिल्लियों को खाना मिलता है। क्या आप भी इस द्वीप पर जाकर इन प्यारी बिल्लियों को देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने अब तक बहुत से अलग अलग और बड़े ऑर्केस्ट्रा देखे होंगे, लेकिन आइए आज हम आपको दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट ऑर्केस्ट्रा दिखाते हैं। तो आपने देखा ये तीनों भी कितने ज्यादा प्यारे हैं। क्या आप भी इस ऑर्केस्ट्रा को अपने फैमिली फंक्शन में बुलाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। डॉग हग। कुत्ते तो बहुत पहले से ही बुद्धिमान जानवरों में से एक माने जाते हैं दोस्तों, जिसके अब तक बहुत से उदाहरण भी आपने देखे होंगे। और उन्हीं में से एक और उदाहरण ऐसा भी है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये डॉग ओनर अपने कुत्ते को हग करना सीख रही है। यानी कि वो अपने कुत्ते को समझा रही है कि तूने अपने भाई को प्यारा सा हग देना होगा। तभी ये डॉग क्या करता है, आप ही देखो। कितनी प्यारी तरह से इस डॉग ने दूसरे डॉग को हग किया, जो कि देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। इतना ही नहीं, अब जरा इस पूडल का फोटो शूट भी देख लीजिए, जिसमें उसे उसके पहले खींचे हुए फोटो दिखाए जा रहे हैं, और ठीक उसी तरह वो डॉग पोज भी दे रहा है, जो कि कितना प्यारा है। अगर आपके पास भी कोई डॉग है तो उसे इस तरह ट्रेनिंग देने के बारे में जरूर सोचना दोस्तों। नेक्स्ट इज स्मार्ट मंकी। बंदरों की प्रजाति कितनी ज्यादा प्राचीन है ये बात आप सभी को पता ही होगी। इतना ही नहीं, ये बड़ी ही बुद्धिमान जानवरों में से एक भी होते हैं। इसी का एक उदाहरण आज हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि बंदर पेड़ों पर से फल निकाल रहे हैं, जो कि ऊपर से बड़े ही मजबूत हैं, जिसे खाने पीने के लिए उन्हें उस फल को पहले फोड़ना होगा। यही फल अगर दूसरे किसी जानवर के हाथ लगता तो शायद वो इसे फेंक देता, लेकिन इस मंकी को देखिए, ये पत्थर से इस फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं, और बहुत देर तक मेहनत करने के बाद उसे कामयाबी मिल ही जाती है। तो देखा आपने, जानवर भी अपने खाने के लिए किस हद तक मेहनत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैटवॉक। आपने मॉडल्स को कैटवॉक करते तो जरूर देखा होगा, लेकिन शायद एक बिल्ली को इस तरह रैप पर कैटवॉक करते हुए नहीं देखा होगा। लगता है ये बिल्ली उन मॉडल्स को अच्छे से कैटवॉक करना सिखाने आई है, और वहीं पर बिना डरे बैठ भी गई। इसे कहते हैं असली स्वैग। बिल्ली मौसी के इस स्वैग के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। आप में से किसे अभी जानवरों से संगीत सुनने का मन है, तो आ जाइए, क्योंकि अभी एक घोड़ा पियानो बजाने वाला है। आपको ये सुनने में अजीब और फनी जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच बात है दोस्तों। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें ये घोड़ा अपनी नाक से पियानो बजा रहा है, जिसे देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि उसे भी कितना ज्यादा मजा आ रहा है। बस इतना ही नहीं, सिर्फ घोड़े ही मजे नहीं करते, इस कुत्ते को भी इस आदमी के गाने में अपना सुर मिलाने में बड़ा मजा आ रहा है। इसे इंडियन आइडल में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी हो, ये ऐसा करते हुए बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन जानवरों में से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा प्यारा लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।